वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और ब्रेड का नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने चार आलू को उबाल कर ले लिया है और इसको हम कर लेंगे मैश। तो आलू मैश हो गया है और अब डाल देंगे हम इसमें मसाले। तो मसाले के लिए आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, और डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। तो चाट मसाले से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आधी चम्मच डालेंगे इसमें नमक। तो मसालों को आलू में अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा डालेंगे इसमें सॉस। तो एक चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे इसमें। और इन्हें आलू में मिला देंगे। तो मसाला आलू में मिल गया है। तो गाइस, हमने 2 चम्मच मैदा ले लिया है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। देखिए, हमें इस तरह के घोल की ज़रूरत है। घोल बन गया है, इसको साइड में रख लेंगे। और हमने ले लिए हैं कुछ ब्रेड। तो ये ब्रेड के हमने किनारे निकाल लिए थे और उसके हमने बना लिए थे ब्रेड क्रम्स। तो ये ब्रेड क्रम्स हमने बना कर तैयार कर लिए हैं। और ये ब्रेड लेंगे और इस तरह से इसमें हम कट कर लेंगे। और इधर से हम इतने बड़े बड़े टुकड़े इसके काट लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ब्रेड के टुकड़े हमें कर लेने हैं। तो देखिए, इस तरह से ब्रेड के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं हमने। तो इस तरह से हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड पर लगाएंगे थोड़ा सा आलू कर लेंगे और ये दूसरी ब्रेड इस पर लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हमने टूथपिक में लगा दिया, 2 ब्रेड फिर 1 ब्रेड पर आलू लगा, इस तरह से लगा दिया है। तो इसी तरह से हमें बाकी का नाश्ता भी बनाना है। तो इस ब्रेड पर आलू लगाएंगे। तो आलू इस तरह से हम लगाएंगे कि ये इसी में इस तरह से लग जाए
और इस पर दूसरा ब्रेड का पीस रख देंगे। और इस पर आलू फिर से लगाएंगे और फिर से एक पीस और रखेंगे और इसमें लगा देंगे हम टूथपिक। तो गाइस देखिए, हमने ये नाश्ता इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। और अब लेंगे हम जो हमने मैदा का घोल बनाया था और ये ब्रेड क्रम्स। तो गाइस, हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया है और अब हम लेंगे ब्रेड का जो हमने बनाया है नाश्ता और इसको इस तरह से मैदा के घोल में लगा देंगे और इस पर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। तो इसको इस तरह से घुमा देंगे ताकि ये चारों तरफ से इसमें अच्छे से ब्रेड क्रम्स लग जाए। तो इससे नाश्ता बहुत क्रिस्पी बनता है इस तरह से। तो देखिए ये लग गया है और फिर दूसरा लेंगे और उस पर भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो पहले इसे मैदा के घोल में लगाएंगे तो इससे ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाते हैं इस पर। और फिर से इसे इसी तरह से घुमाकर इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे तो देखिए इस तरह से लग गया है। तो ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें ये नाश्ता हम तलने के लिए डाल देंगे। तो गाइस ये नाश्ता हमारा सीख गया है तो इसको निकाल लेंगे। और इसको तलने के लिए डाल देंगे। तो गाइस देखिए, हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और इसको हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो गाइस, हमारा ब्रेड आलू का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।